कॉलेज प्लेसमेंट्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग मॉडल प्रेजेंट करता है, क्योंकि कंपनीज इन एडवांस रिक्रूट कर रही होती हैं, तो वो नवंबर दिसंबर में आती हैं और एक्चुअल ज्वाइनिंग जो होगी वो मार्च अप्रैल मई में शुरू होगी. इट इज इन सम वे अ लीडिंग इंडिकेटर कि उनका इकोनॉमी को लेके कॉन्फिडेंस कितना है. एंड इस साल कॉलेज की प्लेसमेंट्स बहुत वीक रही है. लेकिन 2024 एक इलेक्शन ईयर भी है, एंड अगर इलेक्शन में कोई भी पार्टी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीत पाती है, मतलब अगले 5 साल फिर से एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, देन दैट कुड रियली मेक द इकोनॉमी गो अप. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पीरियड है कि यार 2024 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, किन चीजों में फोकस किया जाए, किन में नहीं. तो मैं जब दिसंबर के महीने में बैठा टू फिगर आउट किया 2024 अपने पैसे को कैसे डिप्लॉय करें, हियर इज व्हाट आई केम अप विद. डिस्क्लेमर, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपकी नहीं है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ. प्लीज इसको वैसे ही मत फेस वैल्यू पे कबूल कर लीजिएगा, अपना दिमाग लगाएगा, अपना होमवर्क करिएगा. इफ माई गाइडेंस कैन हेल्प यू आई विल बी मोर देन हैप्पी, लेकिन प्लीज इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, क्योंकि वो कहाँ की समझदारी. सबसे पहले इंडियन स्टॉक्स. इंडियन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैंने से स्टॉक्स आई मीन कंपनी स्टॉक्स. तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ना मुझे खरीदने आते हैं, ना मैं उसके बारे में एक एक्सपर्ट हूँ. अक्षर श्रीवास्तव बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज आप उनके वीडियोज देखेंगे. मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करता हूँ, वो भी बहुत पैसिव इन्वेस्टिंग करता हूँ, ना ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ. तो 2023 में मैंने कोई स्टॉक्स नहीं खरीदे, 2024 में भी कोई प्लान नहीं है खरीदने का. कभी कभी अपनी थीसिस टेस्ट करने के लिए मैं एक या दो स्टॉक खरीद लेता हूँ, ताकि उनकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाए और मैं उनके शेयर होल्डर मीटिंग में इन्वाइट हो पाऊँ या वो सब, बट आई डोंट बाय इन बल्क. एक ही स्टॉक खरीदा था 2022 में, टाटा मोटर्स का, थैंकफुली बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 मैंने पेटीएम और जोमेटो के भी स्टॉक्स खरीदे थे, या शायद 2023 की शुरू शुरू में. बट इन जनरल आई डोंट इन्वेस्ट एंड आई डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ इन्वेस्टिंग. लेकिन इंडियन म्यूचुअल फंड्स विल बी इंटरेस्टिंग. तो 2023 में मेरा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग जो था वो स्मॉल कैप में गया था. तो नियरली 70% ऑफ ऑल द इन्वेस्टिंग दैट आई मेड इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स वॉज इन स्मॉल कैप. मिड कैप में मैंने कोई इन्वेस्टिंग नहीं करी, एंड लार्ज कैप विच वॉज बेसिकली द निफ्टी 50 और पराग पारेख का जो फंड है वो भी लार्जली लार्ज कैप ही है, उसमें इन्वेस्ट किया था. तो दैट वॉज अबाउट 25%. तो दिस वॉज द कंपोजिशन. बट मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप विल गो थ्रू अ करेक्शन, क्योंकि बहुत अनरियल प्राइस्ड है. And that's why the change that I will make is small cap ka allocation mein 75% se gira ke 30% plan kar raha hun. I'll bring a mid cap layer taki thoda sa risk return sambhal jaye, and slightly lesser risk, I'm okay with slightly lesser return as well. And then large cap is where I will drive most of my investments, which will be approximately 50%. The hope is ki agar koi bhi correction hogi to large cap will be a very attractive buy, and agar main SIP karunga to ye sara SIP hota hai, koi lump sum amount nahi jata hai, har mahine kaide se amount jata rehta hai, and the only difference will be the allocation for the mutual fund categories. So this is my strategy for Indian mutual funds. Fir aata hai small case. स्मॉल केस में मैंने 2023 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, इनफैक्ट लिक्विडेट किए थे पूरे स्मॉल केस, क्योंकि घर के लोन हमने डिसाइड किया था चुकाना है. सो आई लिक्विडेटेड ऑल ऑफ दैट. 2024 आई बिलीव कुड बी अ गुड पॉइंट टू एंटर द स्मॉल केस अगेन विद द मोमेंटम स्ट्रेटजी, जो मैं पिछले चार साल से यूज कर रहा था ऑन स्मॉल केस. वेरी गुड रिटर्न्स. मोमेंटम स्ट्रेटजी क्या है कि जब एक स्टॉक प्राइस राइज कर रहा होता है, इट कंटिन्यूज टू राइज फॉर अ पीरियड बिफोर इट फॉल्स डाउन. तो एक मोमेंटम बना होता है और उस शॉर्ट पीरियड के लिए वो उस स्ट्रेटजी पे बेट लेते हैं, मतलब सॉरी द स्ट्रेटजी टेक्स अ बेट ऑन द स्टॉक. तो स्मॉल केस है, कैपिटल माइंड का मोमेंटम स्ट्रेटजी है, वीकेंड इन्वेस्टिंग की मोमेंटम स्ट्रेटजी है. ये दो हैं जिनको मैंने पर्सनली यूज किया है, आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ देम. आप इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन और प्रमोशन नहीं है. मोमेंटम स्ट्रेटजी में SIP करेंगे, बट आई विल ओनली एक्टिवेट इट व्हेन द मार्केट गोज डाउन. तो जब नीचे जाता है उसके बाद जब उठना शुरू होता है, व्हेनेवर दैट हैपेंस, तो वो SIP तब से शुरू होगी, तो मोमेंटम विल बी मोर प्रोनाउंस्ड. तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है, करेक्शन इज एटलीस्ट 10% करेक्शन ऑन द निफ्टी, जो कि अभी 70,000 पे चल रहा है, दैट विल बी अ टाइम व्हेन आई विल गेट इनटू मोमेंटम. सो दैट्स द आइडिया. फिर मेरे दो PMS है. PMS इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स. तो पहला जो PMS है वो कंप्लीटली लार्ज कैप पे ही फोकस्ड है. What I will do is introduce
अ ग्लोबल पोर्टफोलियो एज वेल टू द लार्ज कैप. तो लार्ज कैप ज्यादातर इंडिया बेस्ड है, ग्लोबल जो होगा वो भी इंडिया बेस्ड ही होगा, बट इट विल बी म्यूचुअल फंड्स दैट आर टारगेटेड टुवर्ड्स द ग्लोबल मार्केट्स. तो थोड़ा बहुत चाइना हो सकता है, ऑफ कोर्स इमर्जिंग मार्केट्स हो सकता है, यूएस हो सकता है, यूरोप में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं हूँ. सो द पीएमएस विल मैनेज दैट. रीजन इज अगर ग्लोबली रिसेशन होता है या वीक इकोनॉमी चलती है, सो द प्राइसेस मे बी अट्रैक्टिव एंड तब विल बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट ग्लोबली, खासकर अगर इंडिया का फंडामेंटल स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ 24 इलेक्शंस या कुछ और गुड न्यूज मिल जाए हमें या कुछ. पीएमएस 2 जो है वो स्मॉल कैप पे है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो बिल्कुल छांट छांट के पता नहीं कहां से स्मॉल कैप कंपनीज पकड़ते हैं एंड देन दे जस्ट इन्वेस्ट एंड डिलीवर अनबिलीवेबल रिटर्न्स. तो वही सेम स्ट्रेटेजी चलती रहेगी. मैं उनको कोई गाइडेंस नहीं देना चाहता हूं, बल्कि मैं दे भी नहीं सकता हूं, ना ही मैं क्वालिफाइड हूं. आई लेट देम बी द वे दे आर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो इसमें देयर विल बी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इटसेल्फ. यूएस स्टॉक्स 2023 में मैंने बहुत सारे खरीदे थे एंड मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको दिखाया था कि यहां लाल ही लाल चल रहा है. मतलब एक भी स्टॉक एक्सेप्ट फॉर टेस्ला एंड एयरबीएनबी, कोई भी और स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, बाकी सब टैंक हो गए. एंड आई बॉट देम एट अ क्रेजी पीक एंड आई थॉट आई वाज वेरी स्मार्ट बट क्लियरली आई एम नॉट. तो स्टॉक्स तो मैंने खरीदने ही नहीं है, ना भारत में ना यूएस में. मैं बल्कि यूएस की ईएफटीज में इन्वेस्ट करूंगा. तो मैंने क्यूक्यूक्यू जो कि एक म्यूचुअल फंड है, ईएफटी मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, स्लाइटली बेटर क्योंकि वो चीपर होते हैं. एंड नैसडैक 100, इनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स, इन्हीं में इन्वेस्ट करूंगा. लेकिन जब मार्केट डिप होगा तो मैं एक एसआईपी शुरू करूंगा. सो यूएस स्टॉक्स में मैं जनरली एसआईपीज नहीं करता हूं, आई डू अ मंथली जितना भी डाल पाता हूं उस समय पे. बट एसआईपी के लिए थोड़ा सा बल्क में अमाउंट डालना पड़ता है सो दैट इट गेट्स ऑटो डेबिटेड एटसेट्रा. तो वो वंस द मार्केट करेक्ट्स, इफ द मार्केट करेक्ट्स, आई इंटेंड टू स्टार्ट अ एसआईपी अराउंड दैट, व्हिच विल बी अ एसआईपी फॉर अराउंड 6 months या 12 months, नॉट मोर देन दैट. रियल एस्टेट 2023 में हमने अपना घर का लोन चुका के घर अपने नाम पे कर लिया. सो दैट्स द ओनली रियल एस्टेट वी ओन, वी डोंट ओन एनीथिंग एल्स. 2024 का कोई प्लान नहीं है. आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन रियल एस्टेट. मेरा थोड़ा रियल एस्टेट से 36 का आंकड़ा है. जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सोची है तो पैसे गवाए हैं, तो मैंने बोला भाई मेरे बस का ही नहीं है एंड नॉट समथिंग दैट आई एम इवन गुड एट, सो आई वुड नॉट डू इट. तो रियल एस्टेट का कोई प्लान नहीं है, REIT भी नहीं है. अगर आप रियल एस्टेट में प्ले करना चाहते हैं और आपके पास वो क्वांटम ऑफ मनी नहीं है जो रियल एस्टेट में प्ले करने के लिए चाहिए होता है, यू कैन कंसिडर REITs विच आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये स्टॉक्स जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, दीज आर बाय रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज जो कि अपनी रेंटल इनकम के थ्रू एक REIT चलाते हैं एंड यू विल गेट द पार्ट ऑफ रेंटल इनकम दैट दे आर मेकिंग दैट इंश्योर्स योर एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू. तो 3-4 REITs हैं इंडिया में, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन एटलीस्ट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विद एज लो एज 500 rupees. गोल्ड इज नॉट समथिंग आई एवर थॉट आई वुड कंसिडर बट आई एम कीन टू लुक एट इट दिस ईयर. तो मैंने आज तक कोई गोल्ड नहीं खरीदा है, नॉट इन एनी फॉर्म. SGBs नहीं खरीदे हैं एंड वॉट आई वॉन्ट टू डू इज कि एक गोल्ड म्यूचुअल फंड में मैं एक SIP शुरू करना चाहता हूँ, अगेन इफ एंड वेन अ करेक्शन हैपन्स. सो नॉट right away but whenever if there is a connection I will want to start a 6 month or a 12 month gold mutual fund SIP taki thoda sa risk balance rahe. The very surprising thing was jo 2015 mein sarkar ne SGBs ya sovereign gold bonds announce kiye the jinki maturity 2023 mein hogi which is 8 years after, unka average yearly return 12% hai, which is brilliant, right? Imagine this is as close to the Nifty 50 that you would get. तो आपकी भारत की टॉप 50 कंपनीज में आपने इक्विटी का रिस्क लेके इन्वेस्ट किया हुआ है और मोटा मोटा उतना ही मिला जितना सोना ने अपने स्टेबल रिटर्न से कमा लिया. ऑफ कोर्स हाइंडसाइट पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी होगा, बट इट इज टू सजेस्ट दैट गोल्ड इज नॉट येट डेड एंड देयर इज सर्टेनली समथिंग दैट यू कैन डू अबाउट. स्टार्टअप्स में मैं अभी तक अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करता था. सो आई यूज टू कम इन एज द फर्स्ट राउंड, मैक्सिमम द सेकेंड राउंड. बट व्हाट आई रियलाइज कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, विच इज ऑब्वियस, आई न्यू ऑफ दैट अप फ्रंट. बट इट्स ऑल्सो कि मेरे पास ना कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है टू इवेल्युएट दैम, ना ही मेरे पास एंडलेस कैपिटल है कि मैं हर एक स्टार्टअप में पैसा डालू. तो मैं किस बेसिस में चूज करूंगा, क्योंकि रैंडम होता है शुरू में, जनरली कुछ सर पैर नहीं होता है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, एंड इट इज जस्ट एब्सोल्युटली, आई शुडंट से एब्सोल्युटली, बट टू अ लार्ज डिग्री इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल. So,
What I've decided is कि 2024 में जो startups में investing चलती रहेगी, I will do it when I come in with the first institutional investor, which usually happens at around 10, 20, 30 million dollar valuation. कि अभी तक एंजल राउंड कर रहे हैं, सीड राउंड हो रहा है, लेकिन जो पहला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो बड़े फंड्स होते हैं, वो पहला अपना चेक काटते हैं, उनके साथ में आऊंगा. थैंकफुली बिकॉज ऑफ द नेटवर्क आई स्टिल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट, बट द आइडिया इज कि जब वो इसको इवेल्युएट कर चुके हैं एंड उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग थीसिस बना लिया कि यार सब कुछ ड्यू डिलीजेंस हो गया है, बिजनेस मॉडल इवेल्युएट हो गया है, फाउंडर का चेक भी हो गया है, मार्केट साइजिंग भी हो गई है, ट्रैक्शन कितना है, वो सब भी हो गया, तो वी फील कॉन्फिडेंट अपना पैसा डालने के लिए. दैट गिव्स मी सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. व्हाट दैट विल ऑटोमेटिकली डू इज रिड्यूस द रिटर्न. तो जितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ स्टार्टअप में, उसमें बहुत कम हो जाएगा इफ आई कम इन दिस लेट, बट आई एम टोटली ओके विद दैट बिकॉज इट विल स्टिल बी फार बेटर देन व्हाट अदर एसेट क्लासेस आर गिविंग मी. एंड फाइनली देयर इज क्रिप्टो. तो क्रिप्टो में आई हैड अ वेरी क्लियर टारगेट कि आई हैव टू गो फॉर 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम एंड 100 सोलाना, एंड दैट इज व्हाट आई विल कंटिन्यू टू. आई होल्ड दिस, आई एम लॉन्ग ऑन दिस, आई विल कंटिन्यू होल्डिंग ऑन दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना प्राइस बन जाता है, एंड कोई प्लान नहीं है इसमें कुछ ऐड करने का. तो 2024 में आई विल ले लो ये सारा क्रिप्टो. पब्लिक वॉलेट्स में नहीं है, मेरे कोल्ड वॉलेट में है. सो आई हैव लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑन द ब्लॉकचेन एंड दैट इज वेयर आई हैव सेफली सिक्योर्ड इट. मैं उसको देखता भी नहीं हूँ, साल में एक बार शायद देख लेता हूँ टैक्स फाइलिंग के लिए. दैट इज द ओनली रीजन एंड टाइम व्हेन आई ओपन इट. तो ये है मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर 2024. इट्स अ लॉट लेस रिस्की, इट्स अ लॉट लेस अग्रेसिव, इट्स अ लॉट मोर लॉन्ग टर्म, जो कि हमेशा से ही रहा है. एंड द आइडिया इज जितना भी आप पैसा डिप्लॉय करेंगे उसका रिस्क अच्छे से बैलेंस करते हुए आप कंटिन्यू करें अपना रिटर्न बनाना. आई डू फील 2024 कुड बी अ गुड ईयर फॉर अ पोटेंशियली हायर रिटर्न फॉर द लॉन्ग टर्म. क्योंकि अगर करेक्शन हुआ तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन होगा, अगर US रिसेशन में चला गया या यूरोप रिसेशन में चला गया, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट्स ग्लोबली विल गो डाउन इंक्लूडिंग इंडिया, एंड दैट मीन्स इट कुड बी अ गुड टाइम टू मेक अ परचेज for a period of time SIPs ke through 6 mahine ya 12 mahine, or if you are sitting on lump sum cash then you can make that purchase as well. Again a disclaimer, ye meri strategy hai. Strategy kya hai, maine bas bataya ki mere dimag mein kya chal raha hai. Ye aapki zaruri nahi hai ho. Please apna homework kariyega, please apne due diligence kariyega apne risk profile ke hisab se, apne paise ke hisab se, apne time horizon ke hisab se apni strategy banaiyega, lekin banaiyega zarur ki 2024 mein aap apna paisa kahan और कैसे इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं. अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.